मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से आईटीआई ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखे हैं कि आईटी वाले के लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी सीएसआईआर में आया है, जिसमें सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको वैकेंसी आई है। चलिए तो इस वैकेंसी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप बारीकी से इसको समझेंगे। देखिए, ध्यान देंगे कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में समझते हैं। जो आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, जो नीचे आप देख लीजिए कि यहाँ जो देख रहे हैं कि यह भिन्न भिन्न साइंटिस्ट का यह कार्य है और यह अपने साइंटिस्ट कार्य कर रहे हैं, और यह आपको इस तरह से जो देख रहे हैं कि यह आपको चित्र इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें आपको ध्यान देना है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह जो देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी जो दिया हुआ है, उस अपॉर्चुनिटी पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज आपको आएगा, जिस नए पेज आपको इस प्रकार से आता है, ठीक है। और इस नए पेज में आप यहाँ जो देख पा रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो इसको देख रहे हैं, इसको ध्यान देना है कि रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन जो आपको क्या है नोटिफिकेशन यह दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज आएगा, और नए पेज जो आएगा उसमें आप यहां देखेंगे कि नए पेज में यहां साफ साफ आपको लिखा हुआ है कि 27/9/2021 तक यह फॉर्म फिलअप होगा और 12/10/2021 तक इसके हार्ड कॉपी आपको भेजना है, ठीक है। उसमें आप जो देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आप यहाँ देख लीजिए कि जो ऑनलाइन आप इस करेंगे तो वेबसाइट जो आपको दिया हुआ है, यह इस वेबसाइट पर ऑनलाइन करना है, और यह जो पेज खुला हुआ है ऑनलाइन के लिए ही यह अवेलेबल है, जिसमें आप यहाँ जो देख रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आपको उसके फॉर्म को फिलअप करेंगे, जिसमें आईटी वाले के लिए यहाँ जो देख रहे हैं जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यह आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे। थोड़ा क्या देखना है कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या देख लेंगे कि अप्लाई जो आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, आपको फॉर्म आपको फिलअप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म फिलअप होगा और यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं, बैक में जाते हैं और नोटिफिकेशन को देखते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन को जो यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसको डाउनलोड करते हैं, उसको देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से हम डाउनलोड कर चुके हैं, उसको आप गौर से ध्यान देंगे और इसको समझेंगे बारीकी से। देखिए, आपको यहाँ यह जो नोटिफिकेशन आपको आ चुका है, और नोटिफिकेशन आप इसको हम लोग इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग समझते हैं, जैसे कि आप यहाँ ध्यान देंगे कि 28/8/2021 से यह फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसको बाद है आपको 27/9/2021 तक यह फॉर्म फिलअप होगा और 12/10/2021 तक इसका हार्ड कॉपी आप भेजेंगे, ठीक है। उसको नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखेंगे कि यहाँ फिर यह दे दिया है वेबसाइट, जो इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखिए, यह आप जो पोस्ट है उस पोस्ट के बारे में आपको दिया हुआ है, जो असिस्टेंट टेक्नीशियन का पोस्ट आपको भरना नहीं है, आपको आईटी वाले के लिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भरना है, जिसमें 13 पोस्ट है और वह 19,900 से आपको क्या है स्टार्ट होने वाला है आपको सैलरी, और 28,216 मतलब सभी टोटल लेकर है जो लेवल 2 के जरिए, तो आपको पर मंथ 28,216 आपको मिलने वाला है। जो 28 वर्ष एज जो मैक्सिमम एज है उसका दिया हुआ 28 वर्ष एज दिया हुआ है, लेकिन आपको एससी ओबीसी एसटी के लिए सभी छूट मिलने वाला है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह जो आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट यह असिस्टेंट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है, लेकिन हम लोग टेक्नीशियन के लिए हम लोग ध्यान देंगे, जो आईटी वाले के लिए जो पोस्ट है उसको हम लोग समझेंगे।
आईटी वाले के पोस्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि आईटी वाले के लिए जो पोस्ट है उसको बारे में समझते हैं, जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है यह ठीक है। देखिए पहले तो इलेक्ट्रिशियन के जो आईटीआई से किया है उसके लिए यह टेक्नीशियन के लिए है पोस्ट है, जिसमें आपको तीन पोस्ट है टोटल, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यू के लिए 1, जिसमें आपको 28 वर्ष, 31 वर्ष और उसके बाद आप जो देख रहे हैं कि इसमें 33 वर्ष जो दिया हुआ है, 33 वर्ष तक एससी के लिए यह इसमें आपको मैक्सिमम एज दिया हुआ है, जिसमें आप यहां देखेंगे कि टेंथ जो है ना 55% मार्क्स से पास होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए और 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के समझते हैं जो है पोस्ट में, आप देख रहे हैं कि आईटी वाले जो है ना 1 पोस्ट जो दिया हुआ है बायमैन ट्रेड के लिए जो आपको दिया हुआ है ठीक है, और उसका भी 2 साल का एक्सपीरियंस यदि है तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए देखते हैं इम्पोर्टेंट पोस्ट कौन से हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट के बारे में इसको समझ लीजिए कि यहाँ आपको मैकेनिक ट्रेड के लिए यह है जो 28 वर्ष मैकेनिक ट्रेड के लिए है उसका एज, और 2 पोस्ट इसमें दिया हुआ है और यह आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यदि इसमें है आपको तो इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह से फिटर ट्रेड 2 साल के आप किए हुए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें 3 पोस्ट है टोटल, आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली पोस्ट के लिए आपको दिया हुआ है वैकेंसी। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पे हम समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझते हैं, देखिए यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में अच्छी तरह बारीकी से हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अप्लाई के जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें इस पोस्ट इस वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको बाद अप्लाई करने में जो कब करेंगे कि 28/8/21 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप हो रहा है और 27/9/21 तक यह फॉर्म फिलअप करेंगे ठीक है। हार्ड कॉपी जो आप देख रहे हैं कि आपको बताया गया था ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो फी के बारे में इसको समझ लीजिए कि फी आपको 500 रुपया लगने वाला है जो आपको नेट बैंकिंग ठीक है क्या करा है कि आप इसको देखिए कि मोबाइल जो मोबाइल बैंकिंग ठीक है जो मैच आपको जो कर रहा है कि रेफरेंस नंबर ठीक है तो इस तरह से आपको जो दे रहा है। उसको बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो हम समझते हैं कि इसमें जो है ना आपको एप्लीकेशन जो देखना है उसको आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पर आपको जो है ना आपको भेज देना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि इस पर आपको मोबाइल से भेज सकते हैं ठीक है, जो यहाँ जो दिया हुआ है IFSC कोड, MICR नंबर और शिफ्ट कोड ये सब जो दिया हुआ है इस पर आप भेज सकते हैं, जो फी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप यहाँ नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप देखेंगे उसके समझिए जो आपको जो रिसीव जो हार्ड कॉपी जो भेजेंगे आप यह इस वेबसाइट इस पते पर आप भेजेंगे जो हार्ड कॉपी जिसमें सभी आपको डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके और उसमें इन्वॉल्व में वह फिलअप करके और उसको बाद आप भेजेंगे जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट और सभी आपको डॉक्यूमेंट आईटीआई और मैट्रिक का सर्टिफिकेट होंगे ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप किए हैं उसको प्रिंट आउट ये सभी आपको उसमें भेजना है ठीक है। तो यह इम्पोर्टेंट आपको है, आपको यह इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग समझते हैं इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए यह टेक्नीशियन असिस्टेंट के पोस्ट के लिए हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो इसके बारे में आपको अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि यह जो आप देख रहे हैं कि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो आईटी वाले के लिए जो सिलेबस है जो आप देख रहे हैं कि मोड ऑफ जो OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आपको पूछने वाला है ठीक है, जिसमें जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा और
आपको एसएससी और आईटीआई स्टैंडर्ड के लिए यह एग्ज़ाम होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा 30 मिनट के यह क्वेश्चन पूछने वाला है। जो फर्स्ट पेपर जो होगा उस फर्स्ट पेपर के बारे में समझते हैं और सेकेंड पेपर के बारे में भी समझते हैं। देखिए फर्स्ट पेपर में आप जो देख रहे हैं कि 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें सब्जेक्ट जो है ना मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको 100 मार्क्स का यह क्वेश्चन होगा और यह आपको नो नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। जिसमें आप जो देख रहे हैं जो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पेपर जो होगा उसमें 25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो लैंग्वेज जो 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसी तरह से आपको 75-75 मार्क्स का आपको यह है और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव नहीं है और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो यह आपको फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट पर थर्ड पेपर भी होने वाला है, उस थर्ड पेपर में 1 घंटा का यह आपको पेपर होने वाला है, जिसमें आपको जो देख रहे हैं यह जो सब्जेक्ट है जो कंसर्ट सब्जेक्ट जिसमें आपको जिस टेट से आप भरे हैं उसका है, जो 50 क्वेश्चन होगा और 150 मार्क्स का होगा और इसमें आप जो देख रहे हैं कि 1 नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह सिलेबस दिया हुआ है और इस तरह से आप इसको फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह से आपको नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए या आपको टेट से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।